95 सालों से अपने बाल नहीं कटवाए जटाधारी बाबा सोशल मीडिया पर छाए। जब से पैदा हुए आज तक एक भी बाल नहीं कटाया, 24 फीट की लंबाई तक अपने बालों को उगाया। आखिरकार बाबा की जटाओं का राज बाहर आया, इस राज ने पूरी दुनिया को चौंकाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की होगी कि कोई शख्स आखिर बचपन से लेकर अपने जीवन के अब तक के उम्र यानी 95 सालों तक कैसे बिना बाल कटवाए रह सकता है? शायद आपका भी जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि हमारे सिर में या हमारे बालों को लेकर कोई समस्या होती है जिसको लेकर हमें बाल कटवाने ही होते हैं। इनमें ज्यादातर करके गर्मी के मौसम में हम सभी को बालों से काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम बाल छोटे करवा लेते हैं या फिर पूरे सिर के बाल साफ करवा देते हैं। वहीं अगर आप सनातन धर्म से हैं तो शायद आप भी ये जानते होंगे कि बचपन में 2 साल के बाद हम सभी का मुंडन होता है, जिसकी वजह से हमें अपने सिर के सारे बाल कटवाने होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 95 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने धरती पर जन्म लेने से अब तक अपने बाल ही नहीं कटवाए। और बड़ी बात यह है कि इनके बाल न कटवाने से लेकर इनको अभी तक कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी भी नहीं हुई। और ये अपनी जटाओं के साथ आज अपनी उम्र के 100वें साल के करीब हैं और अपने इन बालों के साथ अपनी जिंदगी को बड़े सुकून से और बिना किसी बीमारी के जी रहे हैं। इनके बालों की कहानी पहली बार साल 2020 में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी और उनका ये बाल न कटाने का किस्सा खूब वायरल हुआ था। लेकिन 2.5 से 3 साल बाद एक बार फिर से ये बाबा अपनी जटाओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चलिए हम आपको इस बाबा की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कहां के रहने वाले हैं, क्या नाम है और कैसे आखिर ये बिना बाल कटाए इतनी उम्र तक जी रहे हैं। दक्षिण भारत के रहने वाले 95 साल के डोडा मलिया ने कभी नहीं कटाया सिर का बाल। दक्षिण भारत में रहने वाले 95 साल के बुजुर्ग डोडा मलिया की वीडियो और तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डोडा मलिया बैठे हुए हैं और उनके आसपास कुछ पुरुष और महिलाएं उनके सिर के बालों की जटाओं को खोलकर उसे फैला रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार इतने सालों तक बिना बाल कटाए ये बाल कैसे, कितना सुरक्षित है और क्या वाकई में ये बाल ही है या फिर कुछ और। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन बालों को खोलने के बाद ना ही कहीं से बाल टूटे हैं और ना ही कहीं से झड़े हैं। इनके बालों को खोलने के बाद में लोगों ने कहा कि इनके बालों की जो लंबाई है वो तकरीबन 24 फीट के आसपास है, जिसे बाल को गांठ बनाकर पूरे सिर पर सजाया गया है। आप भी जरा कल्पना कीजिए कि कोई 95 सालों तक अगर अपने बाल ना कटाए तो वो कितने बड़े जटाओं में और एक पगड़ी की तरह आपके सिर पर दिखाई देगी। और वजन के रूप में देखा जाए तो शायद कई किलो के वजन में आपका ये बाल आपके सिर पर भारी भरकम रूप में हमेशा दिखेगा। लेकिन 95 साल के इस व्यक्ति ने कभी इन बालों को ना कटाया और ना ही कभी इन बालों से इनको बोझिल महसूस हुआ। बचपन से लेकर अभी तक शांतिपूर्वक और आराम से बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। वहीं लोग इनके इस बाल को देखकर हैरान और परेशान भी हैं कि जिस सिर पर हम इतनी देखरेख करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर बाल कटवा लेते हैं, आखिर 95 सालों तक ये कैसे रह गए। वहीं इन बालों को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा के अंदर कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसकी वजह से ये अपने बाल नहीं कटवाते। इनके बालों के साथ साथ लोग इनके दर्शन भी करने आते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इनका आशीर्वाद एक बार मिल जाए तो आशीर्वाद काफी असरदार होता है और हमारी मन की कामना बाबा के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। इनके बालों के राज को जानने के लिए कुछ लोगों ने बाबा से बात भी की और फिर बाबा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बालों को इसलिए नहीं कटवाता कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे इस बाल को कटवाने के लिए मना करती है और यही वजह है कि मैं अपने बालों को आज तक नहीं कटवाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इन बालों के कटने से पूरी ईश्वरीय शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बाबा की इन जटाओं में कोई दैवीय शक्ति है या फिर बात कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।